नमस्कार, रियल न्यूज एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है छोटा बिजनेस बड़ा मुनाफा बिजनेस कोर्स के द्वारा। कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, ये बात साबित होती नजर आ रही है आज बाबा का ढाबा नाम से जो हैशटैग ट्रेंड हो रहा है पिछले 4 से 5 दिनों में। सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स, न्यूज मीडिया, एनजीओ, एक्टर्स, क्रिकेटर, हर कोई बाबा का ढाबा का मुरीद हो चुका है। वैसे तो इस देश में बाबा और ढाबा ये दो धंधे सदियों से चलते आ रहे हैं और हमेशा चलते आएंगे, लेकिन कोरोना काल में हुए रिसेशन और लॉकडाउन की वजह से ये दोनों ही धंधे खस्ता हालत में हैं। बाबाओं की दुकानें नहीं चल रही, उनके बिजनेस एम्पायर्स के अंदर पैसे का इनफ्लो खत्म हो चुका है और वहीं ढाबों पर, इन ईटरीज पर भी कस्टमर्स की आवाजाही कम होने की वजह से काफ़ी मशक्कत इन सभी लोगों को करनी पड़ रही है। लेकिन 4-5 दिन पहले एक रहन दिल यूट्यूबर की नज़र पड़ी दिल्ली के अंदर मालवीय नगर में बाबा का ढाबा के नाम से ईटरी चलाने वाली एक बुजुर्ग दंपति की तरफ। मालवीय नगर में कॉर्नर मार्केट के पास हनुमान मंदिर के अपोजिट बाबा का ढाबा नाम से एक छोटी सी दुकान, इसको लाइसेंस लेकर चलाने वाली इस बुजुर्ग दंपति जो कि 1990 से लगभग इसको चला रहे हैं, उन लोगों की हालत देखकर, उनकी परेशानी को समझकर इस यूट्यूबर का दिल पसीजा और उसने एक वीडियो बनाया जिसमें उसने इनके द्वारा बनाए गए खाने का विश्लेषण किया, उसका स्वाद बताया और बहुत ही मार्मिक शब्दों में यूट्यूबर ने उस स्टोरी को कवर किया। और उसके बाद तो बाबा का ढाबा हैशटैग ट्रेंड हो गया, हर कोई बाबा का ढाबा पर पहुंचने लगा है। वहां के एमएलए सोमनाथ भारती जी वहां मदद के लिए पहुंच गए, बड़े बड़े एनजीओस आ गए, लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है और बहुत सारे दूसरे यूट्यूबर्स भी वहां पर वीडियोस बनाने पहुंच गए। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स, एबीपी, जी न्यूज़, इंडिया टुडे, एनडीटीवी, हर कोई वहां पर इस स्टोरी को कवर करने के लिए पहुंच गया। इस यूट्यूबर की रहम दिली का ये असर इस बुजुर्ग दंपति की जिंदगी में इतना बड़ा ब्लेसिंग बनकर आएगा किसी ने नहीं सोचा था। आज टेक्नोलॉजी के बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट भी हैं हमारी लाइफ पर, डिप्रेशन, बहुत सारी हमें सोशल जो है हम कटाव से गुजर रहे हैं, लोगों के अंदर संवाद की कमी हो गई है, लोगों के अंदर इमोशनल इम्पैथी और सिंपैथी की भावनाएं खत्म होती जा रही हैं। लेकिन वहीं पर सोशल मीडिया का दूसरा एक पॉजिटिव साइड भी हमें देखने को मिली। इस यूट्यूबर की वजह से आज ये सोशल मीडिया पर छा गई है दंपति और बाबा का ढाबा बन चुका है एक हॉटेस्ट ट्रेंड। बाबा का ढाबा के ऊपर होर्डिंग बड़ा सा लग चुका है, पेप्सी का उनको टी शर्ट दे दी गई है और बाबा का ढाबा .com प्रीमियम डोमेन में शामिल हो गया है। कोई डोमेन का एक्सटेंशन बचा नहीं है और आपको कुछ ही दिनों में नजर आने वाली है बाबा का ढाबा के नाम से बहुत सारे ढाबे प्रीमियम लोकेशन पर खुलते हुए। ये तो बस शुरुआत है मेरे दोस्त। सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी इसी तरह से हमारी जिंदगी में ब्लेसिंग बनकर कभी कभी आ सकता है। आज इस एनालिसिस में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि किस तरह से आपका छोटा सा एक बिजनेस बहुत बड़ा रूप ले सकता है अगर उसको प्रॉपर तरीके से मार्केटिंग मिल जाए। दूसरा पहलू है यहां पर इंसानियत आज भी जिंदा है। इस रहम दिल यूट्यूबर और उसके बाद में बहुत सारे लोगों ने जिस तरह से मार्मिक शब्दों में और दर्द भरी दास्तान लोगों के सामने इस बुजुर्ग दंपति की, जिसको अपने बच्चों से मदद नहीं है, किसी का सपोर्ट नहीं था और 83 और 80 प्लस की उम्र में भी ये लोग अपने जीवन को किसी तरह से गुजर बसर करने की कोशिश कर रहे हैं, मेहनत करते हैं, 6:30 बजे दुकान पर पहुंचकर लजीज खाना ये बनाते आ रहे हैं, उस चीज को जिस तरह से पेश किया, लोगों ने इसको हाथों हाथ लिया, लोगों के दिल को छुआ, उसने मन को छुआ और लोग उमड़ पड़े उनका खाना खाने के लिए। इस बात से एक चीज तो जरूर हमें समझ में आती है कि इंसानियत आज भी जिंदा है और इंसानियत को आज अगर ब्लेसिंग मिल जाए, सोशल मीडिया का साथ मिल जाए, तो यह भावना समुद्र के सैलाब की तरह किसी भी व्यक्ति की जिंदगी बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सकती है। यहां पर मैसेज छुपा हुआ है उन सभी लोगों के लिए जो वाकई में किसी व्यक्ति की कुछ मदद करना चाहते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप किसी भी शहर, गांव या कस्बे के हैं, अगर आपके आसपास कोई भी इसी तरह का छोटा बिजनेस करने वाला व्यक्ति, चाहे वो ढाबा चला रहा है, कोई ईटरी चला रहा है, रेडी लगाता है खाने पीने की, कचौड़ी का ठेला लगाता है, प्रेस की दुकान है, सब्जी की दुकान है, ग्रोसरी की दुकान है, कोई और काम कर रहा है और आपको लगता है कि उस व्यक्ति को आपकी तरफ से बनाया गया एक वीडियो जिसको आप सोशल मीडिया पर शेयर करें अपने लोगों के साथ,
उनके काम को अगर ढंग से दर्शा सकते हैं, उनकी कोई लाइफ की ऐसी स्टोरी है, कोई ऐसी परेशानी है जिसको आपका ये वीडियो या जो लोग आपके वीडियो को देख रहे हैं वो किसी तरह से मदद कर सकते हैं उसका प्रोडक्ट खरीदकर उसकी सर्विसेज लेकर, तो जरूर बनाइए। बाबा का ढाबा सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के मालवीय नगर में नहीं, देश के हर कोने में है। बाबा का ढाबा की तरह बहुत सारे चाय वाले भैया भी हैं, सब्जी वाले भैया भी हैं, प्रेस वाली आंटी भी हो सकती हैं, बहुत सारे लोगों की हम लोग मदद कर सकते हैं। तो चलिए हम उठाते हैं एक इसी तरह का बीड़ा और करते हैं इन सभी लोगों की मदद। दिवाली का सीजन आने वाला है, घर में आपको दिए जलाने हैं तो लोकल जो दिए बेचने वाले हैं मिट्टी के, उन लोगों से आप दिए लें। सजावट का सामान जो लोकल बेचने वाले हैं उन लोगों की मदद करें और उन लोगों के वीडियोस बनाएं अगर वाकई में आप मदद करना चाहते हैं। तो इंसानियत का ये काम, अगर ये गुड डीड आप करेंगे तो न सिर्फ इन लोगों की मदद होगी बल्कि अपने ऊपर भी बहुत बड़ा एहसान आप करोगे, क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है कि किस तरह से आप लोगों की मदद कर रहे हैं। किसी के चेहरे पर स्माइल लेकर आना और किसी की मदद करने से बेहतर कोई काम इंसान के लिए नहीं हो सकता है दोस्त, क्योंकि आपके द्वारा दी गई ये छोटी सी मदद इन लोगों की ज़िंदगी में अगर इतना बड़ा बदलाव लेकर आ सकती है तो इससे बड़ा पुण्य का काम कोई आपके हाथ से नहीं होगा। सो प्लीज़ डू इट। और दूसरा मैसेज इस वायरल होती हुई न्यूज़ के अंदर छुपा हुआ है हर उस छोटे बिजनेस करने वाले व्यक्ति के लिए। अगर आपके प्रोडक्ट में दम है, आपकी क्वालिटी अच्छी है, आपका बोलने चालने का तरीका अच्छा है और मेहनत कश हैं अगर आप अपने बिजनेस के लिए, आज नहीं तो कल आपको मिलने वाला है अपनी तपस्या का फल। कोई ना कोई एंजल आएगा इसी तरह से आपकी मदद करने। किसी ना किसी दिन आपकी किस्मत पलटी मारेगी ही मारेगी। अगर इस दंपति के द्वारा बनाए गए खाने में स्वाद नहीं होता, क्वालिटी नहीं होती, तो शायद बाबा का ढाबा इतना बड़ा हैशटैग, इतना बड़ा ट्रेंडिंग हैशटैग बनता ही नहीं, इतनी बड़ी मीडिया कवरेज इनको मिलती ही नहीं। आज इनकी नेक दिली, इनकी मेहनत, अच्छा स्वाद, परसिस्टेंट एफर्ट और विश्वास अपने काम के प्रति इनको पे कर रहा है। अगर आप भी कोई इस तरह का छोटा मोटा काम कर रहे हैं या काम करने की सोच रहे हैं या बेरोजगार हैं तो पहली चीज तो ये समझ लीजिए, कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। नंबर टू, बाबा और ढाबा ये दो बिजनेस इस देश में हमेशा से चलते आए हैं और हमेशा से चलते रहेंगे। मैं नहीं कहता कि आप भी बाबा बन जाओ, लेकिन आप ढाबा जरूर खोल सकते हैं। ढाबे वाले बिजनेस में 40-50% मार्जिन तो है ही। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है, मार्केटिंग अच्छी है, अगर आप दिखते हैं मार्केट में, ढंग से उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं, ब्रांडिंग कर सकते हैं, तो आपका बिजनेस चल पड़ेगा। इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर रिसेंटली आप बेरोजगार हुए हैं, आपकी नौकरी गई है या फिर कुछ बिजनेस या धंधा अपना शुरू करने की सोच रहे हो तो खाने पीने का काम, एक ईटरी, ढाबा, रेस्टोरेंट बहुत अच्छा बिजनेस हो सकता है। तो आज के एनालिसिस में इतना ही। तो आप भी बाबा का ढाबा पर जाकर अपनी सेल्फी लें, अपना वीडियो बनाएं और कोशिश करें कि दिल्ली के अंदर इस बाबा का ढाबा की तरह ही अपने शहर, कस्बे और गांव के अंदर कोई भी ढाबा, कोई भी चाय की टपरी हो उसकी भी इस तरह से वीडियो बनाएं, डालें सोशल मीडिया पर, करें इनकी मदद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।